सबने मेरा प्यार देखा है, अब देखेंगे मेरा गुस्सा, मेरी नफरत। मिस वर्ल्ड रह चुकी बॉलीवुड दीवा ऐश्वर्या राय बच्चन की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी आवाज का भी अपना अलग जादू है। इस बार उन्होंने कदम रखा है डिज्नी यूनिवर्स में, जहां वो आपको एक बार फिर से अपनी आवाज का कायल बनाने के लिए तैयार हैं। हॉलीवुड फिल्म मैलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ एविल के डब्ड हिंदी वर्जन के लीड कैरेक्टर को उन्होंने अपनी आवाज दी है। इस फिल्म में ये कैरेक्टर हॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने निभाया है। ऐश्वर्या राय बच्चन ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म का टीजर शेयर किया है। ये फिल्म 2014 की फिल्म मैलेफिसेंट का सीक्वल है, जिसमें एंजेलिना जोली एक खतरनाक परी बनी थी। परियों की कहानी से परे ये है मैलेफिसेंट की कहानी। हाल ही में ऐश्वर्या राय बच्चन ने मुंबई में हुए फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट को अटेंड किया। ऐश्वर्या इस मौके पर ब्लैक कलर की ड्रेस में नजर आईं। यहां उन्होंने बताया कि मैंने पहली बार किसी दूसरी एक्ट्रेस के लिए डबिंग की है और मेरे लिए काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। Yes, obviously I was familiar with the character, with the story, as a kid and as a mother. Suddenly I was like, Aradhya, chalo, let's just watch this movie. And we haven't seen it, so let's see it. So guess what? I actually saw Maleficent on that Monday. And then it was so bizarre. I received the mail on Wednesday. It all happened really quickly from your end and us. So on the Wednesday, I'm taking Aradhya to bed and I'm like, am I reading right? I mean, I'm getting an inquiry for Maleficent. And I'm like, I've just seen the movie. Studio Entertainment Disney ke head Vikram Duggal ne bhi film ke baare mein patrakaron ko bataya. Really important that the person who's playing it embodies it. So at least in our mind, we thought she embodies it perfectly with the poise and the grace and the, you know, just being able to have that steely command. Oh, thank you. मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये फिल्म 18 अक्टूबर को इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रिलीज होगी। फिर चाहे इसके लिए मुझे कोई जंग ही क्यों न लड़नी पड़े।